चल मेरे को बताइयो फिर, अपडेट कर दो। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंगल सेंटेंस मेजरमेंट, अनवी और युवराज कई बार पढ़ चुके हैं एंगल सेंटेंस मेजरमेंट, दो बार पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, आज हम फटाफट करा देंगे। मतलब मोटी मोटी बात करते हैं, इस पे एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन कवर करा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक एंगल सेंटेंस मेजरमेंट, सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हमारे पास सारे फॉर्मूले आएंगे। नाउ यार ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे तो एक पोर्शन और होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, बट वो हमारा मुझे लगता है सिलेबस से डिलीट हो गया है। पता है किसी को, कोई अपडेट कर सकता है? मतलब मुझे पता है वैसे, आई एम 99% श्योर कि वो यस सर हो गया, इक्वेशंस हट चुके हैं, हो गया सर। तो ये होगा हमारे सिलेबस में। नाउ व्हाई डिड आई से कि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि थोड़े ज्यादा फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं, कुछ फॉर्मूले भी ज्यादा हो गए और थोड़ा क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम के क्वेश्चंस जो होंगे इसके ऐसे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला लगाने से काम नहीं बनेगा, वी हैव टू यूज सम ट्रिक्स, कहीं 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 हमारे पास फॉर्मूले तीन चार लग जाएंगे लाइक इस तरीके के। और इम्पोर्टेंस ही इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्वेल्थ के सिलेबस में काफी ट्रिग्नोमेट्री है, लाइक डायरेक्टली ट्रिगो नहीं है कि आपको ऐसे नहीं पूछा जा रहा है वहां पे कि कोई ट्रिगो का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन किसी और चीज का होगा, होगा सॉल्व ट्रिगो की हेल्प से। अगर आप ट्रिगो के फॉर्मूले नहीं जानते हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको मैं डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा बट आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे ही सिखा पाऊंगा, तो वापस जाकर रिवाइज कराना पड़ता है मेरे को ट्वेल्थ में भी, कराऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बस ये ध्यान रखना है कि ट्रिगो के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एंगल सेंटेंस मेजरमेंट, सबसे पहली चीज आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जिसके हम क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कवर करने वाले हैं, वो ये होगा कि हम एंगल्स का पहली बात तो मेजरमेंट कैसे करें। एंड ताहा एंड आलोक, आलोक है क्या? तो कल कहेगा सर कैसे सर ये हुआ है, आप मेरे को ये बता दो, अभी लड़का गायब हो। और आदित्य कहाँ है आज? सर आज वो एब्सेंट होगा, उसने रिकॉर्डिंग नहीं की। हेलो, गायब नहीं होना है तूने? नहीं सर, वो नेट चला गया तो मैं अभी वो रीकनेक्ट। कोई बात नहीं, बट तू ये समझ ले कि ये चैप्टर ना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा इसके बाद, ये चैप्टर काफी गलत चैप्टर है, तो इसको ना पढ़ना पड़ेगा सही से। अब तक तो बहुत इजी इजी चैप्टर चल रहे थे हमारे सारे, बस फंक्शंस में थोड़ी सी दिक्कत आई जब डोमेन रेंज निकाला, और सब चैप्टर्स बहुत इजी थे, ये चैप्टर इतना इजी नहीं होगा, राइट? तो एंगल सेंटेंस मेजरमेंट, क्योंकि ट्रिगो में हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो आज तक एंगल्स के बारे में कर रहे हैं, एंगल्स भी अप्लाई करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। तो कोई भी एंगल अगर बनता है तो मैंने ये चीज, चलो फॉर द 100th टाइम मैं बता देता हूँ हाउ टू मेजर एंगल। सपोज ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, बचपन में हम इसको एंगल सी बी ए भी लिख सकते थे, एंगल ए बी सी भी लिख सकते थे, दोनों की वैल्यू 60 डिग्री लिखते, बट अब थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि अब हम सही मेजरमेंट का तरीका देखेंगे, पहली बात तो एंगल को लिखना कैसे से। आप इसे ए बी सी और सी बी ए दोनों नहीं लिख सकते, और अगर दोनों लिख रहे हो तो दोनों की वैल्यू 60 डिग्री तो फॉर श्योर नहीं हो सकती कैसे। सो बेसिकली पहली बात तो एंगल क्या होता है, एंगल क्या होगा, एंगल इज द डिग्री ऑफ या डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कि आपने कितना रोटेट करा है, इसकी डिग्री या इसकी यूनिट एंगल है। ओके, तो रोटेट करने का मतलब, सपोज ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये ए बी लाइन रोटेट करने के बाद बी सी लाइन बन गई, यहां पे यही तो हुआ है। या फिर इस चीज को मैं ऐसे देख सकता हूं कि एक एंगल बनाने के लिए मेरे को दो आर्म्स की हेल्प लेनी पड़ती है, एक आर्म है यहाँ पे ए बी और दूसरी आर्म है यहाँ पे बी सी। जब मैं एंगल सी बी ए लिख रहा हूं तो इनिशियल पॉइंट था जिससे स्टार्ट हुआ यानी कि सी,
फाइनल पॉइंट था ए, जब मैं एंगल ए बी सी लिख रहा हूं तो इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट था सी। आपको ये चेक करना है जो भी एंगल आप लिख रहे हैं, सपोज आपने एंगल सी बी ए लिखा तो इसका मतलब आप इनिशियल पॉइंट सी से फाइनल पॉइंट ए तक रोटेट करते हुए गए, ये रोटेशन कुछ ऐसा होगा। और जब आपने एंगल ए बी सी लिखा तो इसका मतलब था आप इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट सी तक रोटेट करते हुए गए, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन। आप वॉच को देख सकते हैं, घड़ी, अगर घर में वॉच हो, मतलब आजकल डिजिटल वॉच भी होती है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर घर में वॉच है तो वॉच को देख के आप देख सकते हैं। एक डायरेक्शन होती है रोटेशन की क्लॉकवाइज, जिस हिसाब से हमारी क्लॉक घूम रही होती है, राइट, तो क्लॉक की नीडल्स घूम रही होती है, जो कि इस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जो कि उल्टा होगी बिल्कुल क्लॉक की डायरेक्शन से। दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। हमेशा एंगल का मेजरमेंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अब मैं समझता हूं, यानी कि जब मैंने एंगल सी बी ए लिखा तो देखो इनिशियल पॉइंट था सी, फाइनल पॉइंट था ए, मेरे को ये चेक करना है मैं अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जब पहुंचा हूं तो किस तरीके की रोटेशन थी। मैंने सी से ए पे पहुंचा तो मैंने ऐसे रोटेट करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज, आप इसमें से देख सकते हो दोनों में से, ये नीचे वाले की तरह रोटेट हो रहा है। अगर ऊपर 12 होता नीचे 6 आता, ये क्लॉक की तरह रोटेट हो रहा है, यानी कि दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। जब एंगल सीबीए में लिख रहा हूं तो हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। व्हाइल राइटिंग एंगल एबीसी, मैं इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट सी पे पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूं। बस आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज द राइट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यानी कि अगर मैं एंगल ए बी सी लिखता हूं तो ए से सी पे जाना है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूमा, बिल्कुल करेक्ट घूमा, तो वैल्यू हो गई मेरी 60 डिग्री। बट जब मैंने एंगल सी बी ए लिखा तो सी बी ए के केस में मेरे को सी से ए के पास पहुंचना है, और सी से ए के पास पहुंचने के लिए मेरे को रोटेट करना पड़ा क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ा तो कर तो सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मैं यहां पर -60 डिग्री लिख दूंगा, क्योंकि माइनस का सेंस ही है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या करता है माइनस, माइनस साइन मैथ्स में ये करता है, या फिजिक्स में, फिजिक्स सॉरी, माइनस साइन मैथ्स में ये करता है कि मैथ्स में वो हमें हमेशा उसकी डायरेक्शन की सेंस चेंज कर देता है, डायरेक्शन बदल देता है, माइनस का ये मतलब होता है। तो अगर आप कभी भी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल को मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब आप माइनस साइन पुट करेंगे, इसीलिए एंगल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ आज तक पॉजिटिव एंगल्स देखे थे, बट आज पहली बार आप नेगेटिव एंगल देखने जा रहे हैं। और नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, सिर्फ डायरेक्शन का सेंस उल्टा हो गया। तो अगर मैं इसको एंगल सीबीए लिखता हूं तो मैं इसे -60 डिग्री बोलूंगा, अगर मैं इसी चीज को एंगल एबीसी लिखता हूं तो मैं +60 डिग्री बोलूंगा, लिख दोनों ही सकता हूं। पहली क्लासेस में आज तक हमें ये बात नहीं पता था, हम इसको सीबीए भी लिख देते थे, एबीसी भी लिख देते थे, राइट। बट अब जब भी हम इसको लिखेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो एंगल लिखा गया है वो किस तरीके से लिखा गया है। तो इसको इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि क्लॉकवाइज है रोटेशन, और इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन।
तो एंगल का मेजरमेंट करते हुए आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, आप उसका मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे सही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं नीचे लिख भी रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी आपका कोई भी डाउट हो पहले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मेरे पास डाउट नहीं है। मैंने ना वो देखा था डिलीटेड सिलेबस के अंदर मैम ने मार्क करवाया था। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप साइन वाई इज इक्वल टू साइन ए, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस ए एंड टैन वाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही है। हाँ, सो इतना पार्ट डिलीट हुआ है। आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू साइन 2x, cos 2x, tan 2x, वो सारी हैं। मल्टीपल एंगल्स। हाँ, वो सारी हैं, बस इतना ही। वही हुआ ये। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारे पास डिलीट हो गई हैं, इसलिए बस से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पड़ते हैं। फॉर्मूले छह वो भी हैं अलग से वैसे, बट अच्छी बात है छह फॉर्मूले कम हो गए। काफी टफ राइट। आज तक तो हम एंगल्स को 0 से 360 तक ही देखते आए हैं, बट इस बार आप एंगल को देखेंगे कि एंगल तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 360 से बड़ी भी ले सकता है इनफैक्ट, और 0 से छोटी भी ले सकता है, यानी कि नेगेटिव एंगल्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव एंगल्स कब होंगे वो तो अभी अभी आपने सीखा, अब 360 से बड़े कब होंगे वो मैं आगे चलते हुए सिखाऊंगा। ओके, कैन आई रैप दिस? लिख चुके हैं आप? यस सर। हैंडल सिस्टम अभी चलता है, कभी भी ना लिखते तो बता दो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वाज कि हम किस तरीके से एंगल को मेजर करेंगे। अब नेक्स्ट चीज, एंगल की यूनिट्स क्या होती है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला सिस्टम है जब हम डिग्रीज में देखते हैं एंगल को, इसका नाम तो हम रख देते हैं, नाम तो बड़ा सा होता है सेक्सागेसिमल सिस्टम, बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आप इस नाम को याद करने की जरूरत नहीं, बट ये सिस्टम बेसिकली डिग्री वाला ही है कि हम अपनी अगर एक स्ट्रेट लाइन को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो एक डिग्री बन जाएगी। Divide a straight line into 180 equal parts. One part is equals to 1 degree, right? और अगर one part 1 degree, तो एक straight line मतलब 180 degree, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि एक right angle, right angle is basically 90 degree. Now इसको और छोटी sub units में भी divide करा गया है, सिर्फ यही तक नहीं,
यानी कि 1 डिग्री को आई कैन फर्दर डिवाइड इनटू 60 मिनट्स एंड आल्सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. यानी कि 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट्स और कर दूं तो वो हर पार्ट को 1 मिनट बोलूंगा, और अगर उस हर एक मिनट को और 60 पार्ट्स को डिवाइड कर दूं तो हर पार्ट को सेकेंड्स बोलूंगा. सेकेंड को शो करने के लिए हम डबल डैश यूज करते हैं, और मिनट्स को शो करने के लिए हम एक सिंगल डैश यूज करते हैं. वैसे तो 3 सिस्टम होते हैं बट हमें 2 ही पढ़ने की जरूरत है. सेकेंड इज सर्कुलर सिस्टम. सो दिस सर्कुलर सिस्टम इज ऑल अबाउट कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी कोई भी आर्क क्या एंगल बना रही है सेंटर के साथ. Now L is length of arc. कोई आर्क लिया आपने और वहां से सेंटर को ज्वाइन करा इस तरीके से, तो वो एंगल क्या बनेगा हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं. अब वो एंगल कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये यहां से आएगा. R is basically radius of circle and theta is angle, but ये एंगल डिग्री में नहीं होगा. सॉरी यार, इस एंगल को अब हम डिग्री में नहीं मेजर कर रहे, इसको हम इसकी एसआई यूनिट में मेजर कर रहे होंगे, रेडियन. एसआई यूनिट्स आर दोज यूनिट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह रेडियन चलती है यूनिट. व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज जस्ट अ नंबर, पहली चीज. डिग्री अलग चीज होती है थोड़ी सी, बट रेडियन तो डायरेक्टली एक नंबर ही है. लाइक 1 रेडियन इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख के छोड़ सकता हूं मैं 1 रेडियन को. पर पहले ये समझते हैं कि ये रिलेशन क्या है. तो ये रिलेशन कहता है कि अगर आपके पास एल लेंथ की कोई आर्क है और एक रेडियस, एक सर्कल आपने ली जिसकी रेडियस है आर, और उसमें से कोई भी एक आर्क उठाई विच इज ऑफ लेंथ एल, और यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर बाई थीटा. सॉरी, एल इज इक्वल टू आर थीटा. एल की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इनटू एंगल, वेयर एंगल इज इन रेडियन नॉट इन डिग्रीज. ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा भी हुआ है नीचे. या इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर. और हमारे पास जो सबसे फेमस एंगल, तो ये एंगल कैसा होगा, तो कि ये पाई में होगा, पाई की फॉर्म में होगा एंगल. तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. मेन काम तो हमारा यहां से ये है. हेलो, ये सारी बातें तो ठीक है जितनी भी अभी तक हमने करी, और ये थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर वाला रिलेशन भी अपन को याद होना चाहिए. बट फाइंडिंग हमारी जो इन दोनों पार्ट की है ना, वो ये है जो मैं आगे बात करने वाला हूँ, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जाएंगे और हमें यही सॉल्व करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पहले बट इसको नोट कर लो, जैसे तुम इसको नोट कर लोगे तब मैं तुम्हें दिखाता हूं ये एंगल कैसा होगा. डन आलोक, क्या बोल रहे हैं?
नॉट सॉरी मुझे माइक समझ गया था है, क्योंकि ये दोनों लोग लिख चुके हैं अनवी और युवराज, तो भी दोनों ने लिखना है। अब क्वेश्चंस पर सबने सॉल्व करने, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाई रेडियन, तो पाई बेसिकली ये नंबर ओनली, रेडियन को हम ऊपर सी लगा के लिख देते हैं। पाई रेडियन को पहली बात तो आप पाई भी लिख सकते हो, रेडियन की यूनिट वैसे, मतलब रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका वैसे ये होता है ऊपर सी लगा दो, बट अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पहली चीज। दूसरी बात पाई की वैल्यू, हाँ कुछ 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 सी ऊपर सी लिखना अगर हम लिखना चाहते हैं रेडियन को, बट अगर नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट इन जनरल नहीं लिखा होगा, पहली बात तो ये समझ लो। पर पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है, यानी कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर भी होती है। आप ये समझ लीजिए अगर रेडियन में मैं इस चीज को देख रहा हूं तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कन्वर्जन पर, यानी कि कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियन। अब आपके सामने डिग्री में नहीं चलेंगी चीजें, अब आपके सामने रेडियन में चलेंगी, तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? नहीं से ही करेंगे, जो फॉर्मूला भी आप लिख के आए हैं। अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 होगा, डिवाइड कर दूंगा मैं 180 से। और अगर मुझे x डिग्रीज में रेडियन निकालने हैं तो मैं पाई अपॉन 180 इंटू एक्स लिख दूंगा इसी चीज को, इतना रेडियन हो जाएगा। कैसे अप्लाई करें जी? आइए फॉर एग्जाम्पल मेरे को 60 डिग्री मतलब 15 डिग्री निकालना है कि 15 डिग्री कितना होगा रेडियन। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ 15 डिग्री कितना होगा रेडियन में, तो मैं पाई अपॉन 180 से 15 को मल्टीप्लाई कर दू। जब मैं पाई अपॉन 180 से 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, या 3 से कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो 3 6 18 300 35, अब ये 5 से 60 भी कैंसिल हो जाएगा, 12 बचा, यानी कि 15 डिग्री को मैं पाई बाय 12 भी लिख सकता हूं। सेकंड मैं चेक करना चाहता हूं 30 डिग्री को मैं कितना लिख सकता हूं, तो एक तरीका 30 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से 0 से 0 गया, 3 से 6 गया, 18 गया, 6 पाई अपॉन 6 रेडियन, इतना रेडियन बन जाएगा अगर मेरे को डिग्री से चेंज करना है। बट और आसान तरीका, अगर मैं बात करूं कि और आसान कैसे कर सकता था मैं इसको, तो आप 15 डिग्री को याद कर लीजिए, 15 पाई अपॉन 12 होता है, और 15 में फिर मल्टीप्लाई करते जाओ जिससे भी करते जाना है। लाइक अगर मेरे को 30 कैलकुलेट करना है तो मैं 15 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 15 डिग्री इंटू 2 30 डिग्री बन जाएगा, तो 30 डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए थी 2 इंटू पाई बाई 12 विच इज पाई बाई 6 ओनली। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, पाई की वैल्यू 180 है, अगर पाई की वैल्यू 180 है तो डिवाइडेड बाई 6 करूंगा तो 30 तो आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 6 30। किसी भी तरीके से जा सकते हैं आप, बट द बेस्ट वे इज आप 15 डिग्री को याद कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी टर्म्स आपके पास बन रही होगी वो ज्यादातर 15 के मल्टीपल्स में ही बन रही होगी। जैसे कि नेक्स्ट है 45 निकालने के लिए 15 इंटू 3 करना पड़ता है, तो 3 इंटू 15 का मतलब पाई बाई 12, वैल्यू कैलकुलेट करी 45 डिग्री को पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं आप। 60 डिग्री को कैलकुलेट करूंगा 4 इंटू 15, यानी कि 4 इंटू पाई बाई 12, यानी कि पाई बाई 3। आप 90 डिग्री को कैलकुलेट करना चाहते हैं, 90 इज 180 का हाफ, करने को तो मैं 30 इंटू 3 भी कर सकता हूँ, 15 इंटू 6 भी कर सकता हूँ,
बट इतना करने की जरूरत नहीं है, 90 180 का हाफ होता है और 180 पाई होता है, तो इसलिए पाई बाय 2। सिमिलरली क्या आप मेरे को 210 डिग्री को बता सकते हैं कैलकुलेट करके कितना बनेगा? डिग्री विल बी हाउ मच इन रेडियन? आप इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको 30 × 7 लिख सकते हैं, एज योर विश, जैसे आप चाहें, जैसे आपको इजी लगे। मैंने तो सारे तरीके बता दिए कैलकुलेट करने के, यही तरीके होते हैं बस। या तो 15 30 को याद कर लेते हैं, फिर उसके मल्टीपल्स में निकालते रहते हैं सबको, या फिर आपको जो भी एंगल कैलकुलेट करना है रेडियन में उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। चलो फिर 120 भी बता दो फटाफट। अनवी और युवराज तुम्हें तो याद होने चाहिए। अब 2π/3 गुड, और तुम कैलकुलेट करो ताहा और आलोक, देखो ये 2π/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ये आपके वो सारे बेसिक एंगल्स थे जो आप बहुत ज्यादा फेस करते रहोगे। आई थिंक यू शुड रिमेम्बर देम, याद में करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी अपन कोई नहीं कई काम। तो एक तरीके का क्वेश्चन तो कि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आ सकता है ना, दूसरे तरीके का क्वेश्चन कि रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्जन आ सकता है, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करने के लिए बिल्कुल इसका उल्टा काम करना है, यानी कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। बट पहले आप इसको नोट कर लो, कैन आई रब दिस, अगर कोई बच्चा है तो बता दे मेरे को, हैंड रेज कर दो। युवराज ऐसे नहीं करना था, हैंड रेज ऑनलाइन है हमारे पास। सर मैं रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री तो उल्टा प्रोसेस कर देंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई। क्या किसी को समझ आ रहा है मैं ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये बचपन में रूल पढ़ते थे हम 5th 6th 7th क्लास में, पाई ज्यादा होता है राइट, 1 छोटा होता है। जब पाई से 1 पे जा रहा हूं तो मैं ज्यादा के लिए 180 डिग्री है, तो 1 के लिए कितना होगा? 1 के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, कम ही होगा राइट। और अगर मैं यूनिटरी मेथड, बिल्कुल एग्जैक्टली, और एक्स रेडियन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 180 अपॉन पाई इंटू एक्स, तो अगर मेरे को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आई कैन डू दिस। चलो जरा करके दिखा दो एक, तो अच्छा बताओ तो चलो एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो, सिर्फ यही करनी है, एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होगा डिग्रीज में? 180 by pi तो होगा, आंसर तो तेरा सही है, बट इस 180 अपॉन पाई को कैलकुलेट करके बताना है तुमको डिग्रीज में।
like we need to find out what will be the value of 180 upon pi after putting pi ya to 3.14 or 22/7 as you wish. मेरा काम एक क्वेश्चन से हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको मिनट्स और सेकंड्स भी निकालने पड़े. और ये मैं लिखवा देता हूं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, इसे लिख लेना बस, इसको याद करने की जरूरत. 57.2 समथिंग. बिल्कुल सही है, 57.57 डिग्री. अब इसके मिनट्स और निकालने हैं तेरे को, मेन टास्क यही है. मिनट्स और सेकंड्स में कैसे चेंज करोगे? Sir, 57 degrees, 16 minutes. Answer, I think 21 seconds. 45. कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है. हम मिनट से निकलवाना चाहते हैं. देखो गाइस, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री होगा, ये तो अपन को पता है. अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7. चलो, और इसको डिग्री में कैलकुलेट करना शुरू कर. जब हम ये काम करते हैं तो 2 से 11 90, दिस वुड बी 630/11 डिग्रीज. जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये बना 11.58 बचा, 80 हुआ, 11.7 57 डिग्री हो गए. 11.7 अब बचता है हमारे पास 3, यानी कि ये जो मेरे पास बचा हुआ है ना, ये 3/11 डिग्री बचा है. अगर मैं इसे डिग्री में ही लिखता तो पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा मेरे को, बट अगर इस डिग्री को मैं मिनट्स में चेंज करना चाहता हूं तो क्या हम कर सकते हैं? कैसे करेंगे मिनट्स में चेंज इस डिग्री को? देख लो पहले, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये बनेगी 57 + 3/11 degrees. तो 57 डिग्री तो अलग हो ही गया. अब 3/11 degrees को और देखना है मैं कितने कैसे चेंज करें. तो एक तरीका तो है कि मैं इसको पॉइंट में चेंज कर लूं, जैसे अभी अनवी ने मेरे को आंसर दिया था. बट अब उनको पॉइंट में चेंज नहीं करना होता है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम पॉइंट में चेंज कर रहे हैं तो हमने बेसिकली इसकी सब यूनिट्स का यूज नहीं किया, जो कि उसने हमें इसी काम के लिए दी थी कि आप पॉइंट्स में आंसर मत दीजिएगा. जब पॉइंट्स में आंसर आए तो आप मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करिएगा. सर 60 से मल्टीप्लाई कर. एग्जैक्टली भैया, जितना भी डिग्री है अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके टोटल मिनट्स बन जाएंगे. एक डिग्री के 60 मिनट्स होते हैं. अगर कोई मुझसे पूछता है 5 डिग्रीज में कितने मिनट्स होंगे तो मैं कहूंगा 300. सेम अगर मेरे पास 3/11 डिग्रीज है तो मैं देखता हूं कि कितना मिनट्स बनेगा इसका, तो इसके लिए से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3/11 डिग्री 60 करता हूं अगर तो ये बन जाएगा मिनट्स. सो दिस विल बी 180/11 मिनट्स अगर मैं इसे मिनट्स में चेंज करना चाहता हूं. अब मैं इसको लिख सकता हूं 57 डिग्री 180/11 मिनट्स, सॉल्व करो तो ये बनेगा 11 × 1 = 11 = 770. 11 × 6 जा ये बच जाएगा 4/11 मिनट्स. तो ये बनता है हमारे पास 16 मिनट्स, राइट? और उसके बाद भी 4/11 मिनट्स बच जाएगा. नाउ दिस 4/11 मिनट्स कंप्लीट 1 मिनट नहीं है, ये फिर से पॉइंट में आएगा मिनट अगर मेरे को सॉल्व करना होता. तो मैं इसको अगर सेकंड्स में चेंज करना चाहता हूं तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये इतने सेकंड्स बन जाएगा. तो ये बनेगा 240/11
11 से डिवाइड करूंगा नहीं नहीं सही बात है थी तूने सही बोला था मेरे को दिया दिखाया गया था इसमें इसलिए मैंने बोला तो इतने सेकंड्स बन जाएगा 240 अपॉन 11 सेकंड्स इसको मैं फिर से सॉल्व करना शुरू करूंगा 11 टू 22 लगभग लगभग 22 सेकंड्स ही बोलूंगा तो अगर हमारे पास एक डिग्री से कम बच जाती है कोई भी चीज यानी कि पॉइंट्स में आंसर आने लगता है तो पॉइंट में आंसर नहीं देना है फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में चेंज कर लेना है फिर जब मिनट्स पॉइंट में आने लगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में चेंज कर लेना है तब आंसर देना तो 1 रेडियन का मतलब होगा 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स अप्रोक्स नॉट एग्जैक्ट बट कोशिश करिएगा कि जब भी आप आंसर दे रहे हो तो एटलीस्ट मिनट्स का कन्वर्जन तो सही हो सेकंड्स में कुछ गड़बड़ भी है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट मिनट्स का कन्वर्जन सही हो आलोक पूछ ले कोई भी डाउट है तो सर समझ नहीं आया ये आपने ये क्या किया इसके आगे पता कहाँ पे छत की पंखी की दीवार में ठीक है भाई अरे समझ ले मैं समझा देता हूँ ऐसी क्या बात है नहीं सर बता ना सर मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपने ये तो कर दिया बोल बोल पहले तू फर्स्ट योर चांस अरे कहाँ गायब हो गया बता ना ये तो मैंने कर दिया पर मैंने को मेरे को थोड़ी ना करना है करना तो तूने तेरे को समझ आना इंपॉर्टेंट है तुम उसे पूछ कहां पे प्रॉब्लम है अच्छा सुन दोबारा मेरी बात सुन फिर हम ये कह रहे हैं आलोक हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास मिनट्स सॉरी डिग्रीज में आंसर पॉइंट में आने लगे चल अब मुझे तुम्हें थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे नहीं ऊपर कर दो ऊपर वाली चीज लिख लिया है क्या मैं सर अब कर दूं कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री सर आपने यहाँ पे 180 बाय 11 मिनट्स लिखा तो 16 मिनट्स के चाहिए होते मैं समझाता हूँ पहले बता ऊपर वाला लिख लिया पूरा तहा एंड आलो लिख लिया सर एक क्वेश्चन है सर डाउट बिल्कुल पूछ ले सर वो 22 सेकंड्स क्यों हुआ 21 होगा पर 21.9 के आसपास होगा तो जब हमने उसको कन्वर्ज करा तो 22 की तरफ था 21 तो वो डेसिमल्स में नहीं लिखना राउंड ऑफ करके लिखना डेसिमल में तो लिखना ही नहीं है कभी डेसिमल नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं डेसिमल में नहीं लिखना इसीलिए मैंने तुझसे बोला कि सेकंड्स के कैलकुलेशन में गड़बड़ भी है तो चलेगा बट अगर मिनट्स के कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो इसका ये मतलब है कि हमें आता ही नहीं अगर हमारा मिनट्स का कैलकुलेशन सही है तो तब कोई दिक्कत नहीं तो ये देख हमने इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया हेलो हमारे पास 630 डिग्री मतलब ये कुछ ऊपर 630 बना था उसको मुझे 11 से डिवाइड करना था यहां तक की बात समझ आई कि नहीं पाई की वैल्यू मैंने 22 अपॉन 7 रख दी थी तो 7 ऊपर चला गया था फिर 180 और 22 दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर 90 बन गया नीचे 11 बन गया फिर ऊपर वाली दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके 630 अपॉन 11 आ गया ठीक है अब मैं इसको डिग्रीज निकालने वाला हूं तो मैंने इसको डिवाइड करना शुरू करा 11 5 55 बचा 8 80 हुआ 11 7 77 3 हुआ अब मेरे पास 3 रिमाइंडर है आलोक मैं 3 को 11 से डिवाइड कर रहा हूं यार 3 तो 11 से ऑब्वियसली डिवाइड नहीं हो सकता ना तो yes, sir, yes, sir. ठीक है अब जब 3 11 से डिवाइड नहीं हो सकता यानी कि इस पॉइंट के बाद मतलब इस सिचुएशन के बाद मेरे को पॉइंट लगाना पड़ जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा डिग्रीज में तो बट हमने तुझसे बोला कि तेरे को पॉइंट नहीं अप्लाई करना है तेरे को क्या करना है जैसे तूने देखा कि यहाँ पे 3 बच गया है तो ये बेसिकली 57
प्लस 3/11 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में मैं इसको ऐसे लिख देता जैसे मैंने लिख के दिखाया तेरे को, इसी चीज को मिक्स फ्रैक्शन में मैं ऐसे लिख सकता था, 57 क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन 11 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 3/11 का आंसर मुझे पता है पॉइंट में आएगा, तो तू पॉइंट में मत दे उसका आंसर, तू उस पॉइंट जैसे यहां पे पहुंच जाए तो जिसके बाद पॉइंट शुरू हो जाए तो एक काम करना शुरू कर कि 3/11 को मिनट्स में चेंज कर दे। अब 3/11 को मिनट्स में चेंज करने के लिए तेरे को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि हर बार एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती है, तो जितने भी डिग्री के अंदर तू मिनट्स निकालना चाहता है 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। यस सर। तो मैंने 3/11 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में चेंज कर दिया। थोड़ी देर पहले तक तो मेरे पास ये 3/11 डिग्रीज था, बट अभी ये मेरे पास 180/11 मिनट्स बन चुका है। नाउ 180/11 मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर से डिवाइड करना शुरू करूंगा। जब मैं फिर से डिवाइड करना शुरू करूंगा तो एक पॉइंट पे जाके फिर से 11 से छोटी वैल्यू बच जाएगी, जैसे कि करके दिखा देता हूं मैं तेरे को, देख आ जाओ। 180 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो ये बना 11/1, 11/7, 70, 11/6, 66, देख फिर से 4 बच गया। अब अगर इस पॉइंट के बाद मैं आगे करना चाहता हूं तो फिर से प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, मैं 4 पॉइंट में आंसर आ जाएगा, यानी कि अब क्या करें। अब ये 16 मिनट्स तो लिख के छोड़ दिया देख मैंने, बट इस 4/11 को मैंने फिर से सेकंड्स में चेंज कर लिया। सेकंड्स में चेंज करने का क्या क्या लॉजिक है भाई, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा, देख ये कर रखा चेंज, तो 240/11 आ गया। अब तेरा आंसर जो बने वो लिख दिए, इसके बाद पॉइंट वॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में जैसे ही जाने का नंबर आए वहीं पे छोड़ दी। यस सर, आगे सर। पक्की बात है? यस सर, 100% सर। चल फिर करो कैलकुलेट इसको, मुझे दिखाओ तुम्हें आया है कि नहीं आया। सर क्या कैलकुलेट करना है? थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, वही मैं बोलने वाला था, थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ क्या थोड़ी आपसे चीज देती हूँ। 3.5 रेडियन को कैलकुलेट करो। चलो 100% बोला है बेटे आलोक तूने, 500 तेरे को देना ही है, हो जाएगा ऐसे ही है। बस सही से अप्लाई कर, वालो कैसे कर रहे हैं सॉल्व? अनवी बता, अनवी स्टार्टिंग कैसे करे? सो मैंने कन्वर्ट किया 185 मल्टीप्लाई बाय 3.5 किया, सो आई गॉट 2205/11 डिग्री। नाउ आई एम डिवाइड कर रही हूं मैं। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। Am I audible?
भाई मैं पूछ रहा था am I audible now? Yes sir, now you are. No? अच्छा ओके सो आई वाज सेइंग कि मुझे लगता है तूने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया 18 into 35 ही तो मल्टीप्लाई करना था बेसिकली क्योंकि जीरो से पॉइंट हट जाएगा yes. सर सेवन भी तो होगा करेक्ट यस सर सेवन थर्टी बाय टू टू जीरो फाइव अपॉन इलेवन करेक्ट है गोइंग गुड आहा जहां पे भी पॉइंट में आ जाए मिनट्स में चेंज कर लेंगे जब मिनट्स में आ जाएंगे सेकंड्स में चेंज कर लेंगे मतलब So 200 minutes 27 nahi 200 degrees 27 minutes 163 seconds 200 minutes correct hai sorry 200 degrees correct hai so mera to 3.5 radian to 105 degree upon 11 aa raha hai so क्या आ रहे थे ना मुझे समझ नहीं आई तेरी बात सर मैंने कहा कि मेरा तो जो आ रहा है वो 1005 अपॉन 11 है नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है ऑब्वियस यही आएगा 2205 अपॉन 11 युवराज करेक्ट है आंसर सर अनवी एक बार और बोल दे आंसर अच्छा हाँ एक बात सुन ली 163 सेकंड्स नहीं हो सकता 163 सेकंड्स का मतलब है 2 मिनट्स 43 सेकंड राइट ओके तो ऑलरेडी 2 मिनट्स हो जाएंगे तो वो ऑलरेडी आगे बढ़ जाएगा 2 मिनट्स तो 163 सेकंड्स तो हो ही नहीं सकता था आंसर ये सर 16 सेकंड्स पे जाकर रुक जाना तो उसके बाद 0.3 आता है ओके तो हम इसको ये करेंगे कि अगर हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं 11 टू 0 0 5 अपॉन 11 डिग्री आ जाएगा पहली बार और जब इस 5 अपॉन 11 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 300 अपॉन 11 मिनट्स बच जाएगा ये बनेगा 200 डिग्रीज 300 अपॉन 11 को सॉल्व करूंगा 27 मिनट्स 3 अपॉन 11 फिर से बचेगा हमारे पास डिग्री 3 अपॉन 11 को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 180 अपॉन 11 सेकंड्स 180 अपॉन 11 सेकंड्स को मैं फिर से सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 11 1 7 70 66 4 बचेगा 0.4 आना चाहिए
16.3 आना चाहिए, बट मैं इसको 16 सेकंड्स तक लेके छोड़ सकता हूं बस। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। The decimal, हाँ वन, ठीक है, sorry। हमें decimal लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे decimal आए, बस ये देख लिया कर, अगर तेरे को ज़्यादा देखना भी है तो, अगर इससे इसके आगे क्या करना चाहिए, अगर करना भी है तो, ये देख के यार 4 बचता, तो पॉइंट लग जाता, 40 हो जाता, 11 3 जा, ये होता, 16.3 आता आंसर, 16.3 को कन्वर्ज करूंगा तो 16 की तरफ करूंगा, अगर यहीं पे 16 पॉइंट्स राउंड ऑफ करूंगा, राइट, 16.7 को राउंड ऑफ करूंगा तो 17। और अच्छा चल फिर एक और बता दे, अगर 16.5 होता तो 17 आता, नहीं इवन नंबर आता, ओके, जब 0.5 होता है तो तब हम इवन नंबर की तरफ लेके जाते हैं, अगर यही चीज 15.5 होता तो 16 आता हो, ये नहीं पता था, I always learn 0.5 next पे जाता है, 0.5 से इवन नंबर की तरफ जाएगा जिधर भी हो, doesn't matter, ठीक है, तो ये हमने सीखा रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन एंड डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन, एक दो नहीं, 3-4 क्वेश्चन हमें करने होंगे और 15-20 मिनट्स पहले इसी चीज पे, जो कि नए क्वेश्चन होंगे अनवी तुम्हारे लिए भी और युवराज दोनों तुम दोनों के लिए और तहा और आलोक तुम्हारे लिए तो है, जो कि सर्कुलर सिस्टम पे बेस्ड होंगे, और उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको मुझे 4 फॉर्मूले याद कराने हैं, बस 4 आपको याद करने पड़ेंगे और सब मैं बनवाऊंगा उनसे, 4 नहीं बन, या तो एक ही करना है, एक सी हम सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बट फॉर्मूले काफी होंगे, मतलब आप बना नहीं पाओगे इसे बार बार, पर हाँ हम फॉर्मूले का प्रूफ भी पढ़ेंगे कि कैसे हम फॉर्मूले को बना रहे हैं, बस एक फॉर्मूला अगर हमें याद हो तो हम और सारे फॉर्मूले बना सकते हैं उससे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले तो कवर कर ही लेंगे। चलिए फिर टाटा बाय बाय, और अनवी एंड आलोक बात कर लेना कॉम्प्लेक्स नंबर और डाउट्स, शुक्रिया, थैंक यू।